हमारे साथ आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री चौधरी जी हैं। राजश्री चौधरी जी अपना भारत में संगठन चलाती हैं, स्वयंसेवी संस्थान चलाती हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। राजश्री चौधरी जी, कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में आकर? हमको तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक है और सुशासन का प्रतीक है, और वो एक अच्छा भारत का राजा बनने का जैसे मतलब प्रतीक होके हमारा इतिहास में रह चुका है, वैसे इधर का जनता जो है वो भी देशभक्ति का जो एक प्रतीक बन के आने वाला दिन में देशवासियों का सामने आएंगे, क्योंकि आज नेताजी जयंती पे जो उन लोग में उत्साह देखा, जो उनका भीतर जो देशभक्ति का जो उत्साह था, वो देखने के बाद यही महसूस हो रहा है कि हमारा भारत जो है सही में भारत है और आगे बढ़ रहा है, और देशभक्ति का राष्ट्रभक्ति का कोई कमी नहीं है, और आने वाला दिन में नेताजी और सारा क्रांतिकारियों को देश का जनता से और खास करके फैजाबाद और अयोध्या का जनता से जो दिल से जो सम्मान और जो भक्ति मिलेगा, उससे शायद उनका आत्मा थोड़ा बहुत शांति मिलेगा। और तो शांति तो तब मिलेगा जब भारत जब स्वाविलंब हो जाए। नहीं देखो, जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने पूरा कंक्लूड कर दिया था कि उनका एयर क्रैश में मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन जब यूपीए सरकार आया उसको ट्रैश कर दिया, क्योंकि उनका वो पॉलिटिकल विल में नहीं था कि नेताजी का मौत एयर क्रैश में नहीं हुआ इसको साबित कर दे। तो ये सब सही नहीं है, नेताजी का मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुआ, और भारत सरकार को तुरंत इसको डिलीट करते हुए डिसअपियरेंस लिख दे, लेकिन डेथ मत लिखे, क्योंकि जो चीज सही नहीं है, कभी भी विमान दुर्घटना हुआ नहीं, ताईहकू एयरपोर्ट में कोई विमान टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं किया, तो ये सब रॉन्ग रिकॉर्ड रख के क्या फायदा। ये थे हमारे श्री राजश्री चौधरी जी। इन्होंने कहा है कि यूपी सरकार में जो घोटाले हुए हैं उन्हीं में से एक तरह से उनकी नेताजी की फाइल को छुपाया जा रहा है, इतिहास को फिर से एक बार लिखवाना चाहिए, कम से कम किताबों से ये तो हटा दिया जाए कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। ईटीवी के लिए अयोध्या से दिनेश मिश्रा। नहीं हुई थी।